फिर मुंजी लड़कियां आती है वहाँ अच्छी अच्छी आती है पर वो है रिश्तेदार तेरी चुप रहे ऐसा क्यों बता रहे हैं आप मेरे को कि रिश्तेदार है तेरा नहीं होता है ना भरोसा जरूरी है क्या हिमाचल में जो भी शादी हो उसमें पट्टू ही पहना जाए जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है पर हम पहनते हैं हमारा है पहना भाई एक पहन भाई So hey guys, what's up? This is Sanjay Chauhan. कैसे आप सब? Welcome back to another vlog. तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों और मेरे को भाई जी और मम्मी जी ने अभी जगा दिया है तो दिल में पत्थर रख के मैं अभी नींद से उठ गया क्योंकि आज हमें जाना है मेरे ननिहाल की तरफ जो कि है कसोल मनीकंड साइड क्योंकि वहाँ पे एक शादी है जो कि हमें अटेंड करनी है तो बस मम्मी जी ने इंस्ट्रक्ट किया कि अभी के अभी तैयार हो जाओ और अभी निकलना है सुबह सुबह और यहाँ रूम में भी बिल्कुल गंद मचा दी है ये भी साफ करना है तो चलो दोस्तों फटाफट होते हैं तैयार फिर मिलते हैं तो फाइनली हो चुके हैं हम तैयार और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 मम्मी जी भी तैयार हो चुके हैं आप देख सकते हैं मनीकंड में दोस्तों दो पौराणिक मंदिर है बहुत ज्यादा पुराने एक शिव मंदिर है और एक राम मंदिर है तो वहाँ पे शादी है और वहाँ पे मेरे सारे ननिहाल साइड के जितने भी रिलेटिव्स है सारे आएंगे तो उन सब से भी मिलेंगे और मैं भी थोड़ा अच्छे से तैयार हो गया हूँ क्या पता उस शादी में कोई मेरे को भी पसंद करने लगे तो हमारी भी एक ही मंडप में हो जाए मजाक कर रहा हूँ तो चलिए चलते हैं और इस बैग में बाकी कपड़े हैं जो हमारे काम आ सकते हैं वहाँ पे तो इसको भी साथ ले चलते हैं अभी इतनी सुबह के वक्त में सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ियों में धूप आना शुरू हुई है तो अभी देखो यहाँ तक धूप आने में करीब करीब 11-12 बज जाते हैं चलिए सामान रख देते हैं अंदर ओए बैठ निंदे रहे गाइस ये मेरे को गाड़ी चला दी इसने आगे पता था तेरे को अच्छे से कि नहीं बैठा हूँ मैं अनजान क्या बन रहा है धूप आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा तब तक ठंडी सहनी पड़ेगी थोड़ा तेल डाल देते हैं अपनी गाड़ी में स्कैन करना वाला भाई ले मिठाई का डब्बा क्या क्या लाना मिठाई में गुलाब जामुन और रसगुल्ले ले आधा किलो ना ठीक है चलिए गाइस ओ भाई धूप में मजा ही आ गया कसम से फीलिंग ही आ गई धूप में लड़की ने पहचान लिया आपको आपके ब्लॉग देखिए भाई यहाँ पे कुछ लड़कियाँ मिली है जो मेरे साथ फोटो लेना चाहती है बट फोन साथ नहीं लाई थी तो अभी यहाँ से गई है वो फोन लेने के लिए मेरे को वेट करने के लिए बोला उसने भाई जी के साथ भी फोटो लिया भाई बहुत अच्छी स्माइल आ रही थी भाई जी के फेस में उस टाइम पर वो शूट नहीं कर पाए हम हाँ पर वो शूट नहीं कर पाए क्योंकि फोन भाई जी के ही पास था तो फिर ये पोज मार रहे हैं मैं बिजी हो गया तो इसमें भाई मिठाई इनको इस तरह से ही उठाना पड़ेगा ना सीधे रख के तो चलिए चलते हैं एक रसगुल्ले का लाया आधा किलो एक ला मिक्स बोला था दोनों मिला के आधा किलो अरे इसने बोला आधा किलो भाई जी ने इसे पूछा था मैंने इसकी गलती तो दोस्तों फाइनली हम जरी में पहुंच गए हैं जरी वो जगह है जहाँ पे मेरा ननिहाल है तो अभी हम जा रहे हैं मेरी नानी के घर पे तो मेरी नानी के घर पे मेरे कजन्स हैं मासी हैं उन्होंने भी हमारे साथ ही चलना है शादी में तो वो हमारे साथ ही बैठेंगे उस टाइम तो गाइज ये यहाँ पे पार्किंग और ये जो सामने घर आप देख रहे हैं ये वाला ये है मेरी नानी का घर तो अब उतरते हैं और पियो कैसी है हेलो नमस्ते 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 और चलो ठीक है नमस्ते जी तो गाइस इसमें ऐसा है कि अभी हमारे मासी वगैरह भी आएंगे ना तो यहाँ पे थोड़ी धूल थी तो हम सोच रहे थे साफ कर लेते हैं लेट हो गया ना गाइस इसलिए ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया आपको तो उन्होंने कहा कि अभी जाओ और फटाफट गाड़ी की सफाई करो और फिर निकलना है इसलिए मैं और भाई जी आ गए फाइनली अब जा रहे हैं मम्मी जी तैयार हो चुकी है ये जो पहना है ना ये अटायर इसे पट्टू कहते हैं ये बता चुका हूँ मैं आपको प्रीवियस ब्लॉग में यहाँ देख सकते हैं आप मेरी कजन ने भी पहना है जरूरी है क्या हिमाचल में जो भी शादी हो उसमें पट्टू ही पहना जाए जरूरी नहीं है पर हम पहनते हैं हमारा पहना भाई हम पहनते हैं ना इधर अच्छा चलो बता दिया आपने भाई जी भी था चेंज करने वाला क्या तो गाइस फाइनली मेरी मासी जी भी आ गए हैं
देखो दोस्तों पहाड़ी पट्टू में ये मूर्ति बनाई है और ये पहाड़ी पहनावे में एक लड़का और लड़की है हिमाचली नेचर पार्क कसो। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मणिकर्ण जहाँ पे शादी का वेन्यू है। अभी पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे, बाकी सारे उतर चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो मंदिर जहाँ पे शादी होनी है, तो बस अभी फैमिली के साथ चलते हैं वहाँ पे शादी में। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, सुबह के 8 बजे निकले हम और 2 बजे पहुँचे हैं यहाँ। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज कैसा लग रहा हूँ मैं, क्योंकि मम्मी और भाई बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा हूँ। हो सकता है ऐसा हो कि ये मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे थे, तो आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा हूँ। एक फैन भाई धन्यवाद धन्यवाद ब्रो। कहाँ से हो, यहीं से हो? नहीं मैं शोर से। कहाँ से? शोर से। अच्छा टैटू बना लूँ भाई जी? मम्मी जी टैटू बना लूँ? नहीं नहीं प्लीज नहीं बनाना, यहाँ पे बनाना है। दर्द नहीं होती कुछ, जय हो प्रभु। अब भाई मेरी मासी और मम्मी यहाँ पे फोटोज ले, शादी के लिए थोड़ा और लेट कर रहे हैं हमें। भाई जी ने भी टैटू बनाया गाइस, यहाँ देखो देख ले कुछ नहीं होता रहा। बचपन में बनाया इसने जोश जोश में, दोस्तों की संगत में, एक मेले में बनाया इसने। हम लग रहे हैं SPG कमांडो रॉय एजेंट। यहाँ देखो भाई पौराणिक राम मंदिर में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। दोस्तों इस दरवाजे से अंदर है गर्म पानी का कुंड, जाती बार सोच रहे हैं मैं और भाई जी नहाएंगे। क्यों? अब यहाँ पे शूज उतारने हैं सारे, चोरी हो जाएंगे शूज। तब चोरी नहीं होंगे यार, पर रखते साइड में रखते कहीं। चल भाई जी साइड में रखते कहीं। ओ भाई यहाँ तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, मेरे को रखो अपने साथ में, हो जाऊंगा गायब यहाँ। तू क्यों होगा गायब? गायब होगा बड़ा का बच्चा ही हूँ मैं अभी। ये टाट भी छाई जा रही है भाई यहाँ पे, इस पे बैठ के खाना खाएंगे सभी। मासी है ये तेरी? मतलब मेरे तो मासी है। ये है दूल्हा दुल्हन। हाँ दूल्हा दुल्हन है। और यहाँ पे शादी हो रही है गाइस। चाय नहीं चलेगी भाई, शादी है चाय से नहीं निपटेंगे हम। भाई जी तो चाय से मानता ही नहीं है, इसको मीठा नहीं कड़वा पीने में पसंद, कड़वा है। जो ब्राइड है, जो मेरे मासी हैं, उनकी हल्दी की रस्म हो रही है। आपने बोलता लड़कियां होंगी शादी में। ये तेरे साथ चाय नहीं उनके वहाँ, कॉफी है सिर्फ। चलो बढ़िया है यार। तो भाई कॉफी हमने पी ली है, पर कॉफी से कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे को भूख लग रही है तो खाना खाते हैं अब जाकर है हम भाई। अभी बस हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, धाम थोड़ी देर बाद बनेगी। काफी लोग खा चुके हैं, हम अभी पहुंचे तो अभी खा रहे हैं। थैंक यू सो मच। भाई जी की थाली नहीं अभी है यार, तेरे बिना स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा है। चल चल आ गई तेरी भी। तो मतलब हिमाचली शादियों में 3-4 पकवान बनते हैं, उनमें से एक मिला है स्टार्टिंग में अभी, जो कि है ये चने और ये पूरियां। खाना बहुत टेस्टी है भाई, मेरी मासी की शादी है ना इसलिए अच्छा लग रहा है। पानी की सख्त ज़रूरत है भाई। चलिए गाइस धूप तो है टॉप में कम से कम। तो दोस्तों ये है यहाँ से मणिकर्ण से माउंटेंस का व्यू, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। वो आप देखिए स्नो कवर्ड माउंटेंस, और इसी साइड को खीरगंगा भी है। शायद मैं आज शाम को वहाँ पे चला जाऊँ उस ट्रैक में, देखते हैं क्या बनता है। पंडित जी समझा रहे हैं ब्राइड को कि कैसे हार पहनानी है और पति को भी। अभी पंडित जी समझा रहे हैं इनको फेरे किस तरह से लेने हैं। गॉड ब्लेस देम गाइस, हैप्पी मैरिड लाइफ विश करना चाहेंगे हम। यहाँ पे देखो दोस्तों गर्म पानी का कुंड, यहाँ पे ना मतलब आलू की पूरी पूरी बोरियाँ या चावल की पूरी पूरी बोरियाँ डाली जाती है और वो मतलब पक जाती है, तो उसके बाद उसका राइस यहाँ मिलता है, स्टीम राइस, बॉइल्ड राइस एंड बॉइल्ड पोटैटोस। चलो चलो गाइस। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास।
मम्मी और मासी भी आ गए हैं, अब निकलते हैं। शादी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मंदिर में इतनी शादी होती है हिमाचल में, बाकी बड़ी शादियां 2-3 दिन की होती है, वो कभी मैं और दिखाऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना काफी है, अभी चलते हैं। भाई मम्मी जी रह रहे हैं आज यहीं नानी के घर पे, तो मैं और भाई जी जा रहे हैं अभी वापस, हमें काम है पर एक कुल्लू में कुछ, अभी इनको विदा करेंगे हम। ओके माय ब्रो, इट वाज अ नाइस डे मीटिंग यू। नहीं यार जाना अभी। ओके ब्रदर, मिलते हैं ना। मैं गाइस कपड़े चेंज कर लेता हूँ ना, तो कर लिए भाई कपड़े कुपड़े चेंज, शाम का वक्त हो चुका है, अब हमने जाना है वापस घर की तरफ। ठीक है मम्मी जी, ठीक है भाई। ओके लेट्स गो। तो गाइस भाई जी ने भी अब कपड़े चेंज कर लिए हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब हैक्टिक डे था आज का। ये जो मंदिर की शादी थी ना, मैंने फर्स्ट टाइम किसी मंदिर में देखी शादी, तो मंदिर की शादी में इतना ही था जितना भी आपने देखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैं अभी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता कि घर जाके एंड करूँ, क्योंकि मेरे को अभी सोना है भाई। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।